अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद अकबर खान और दी बेंचमैन सीजन 2 के अंदर एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद सादिक बलोच साहब। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर क्या कर रहे हैं आजकल जिंदगी में, क्या हो रहा है? सर आजकल ज़िंदगी में ये हो रहा है कि तकरीबन 7 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ गारमेंट्स पे, अपना अख्तर टेक्सटाइल कंपनी है, वहाँ पर मैं ऑपरेटर हूँ। अच्छा, आप टेक्सटाइल कंपनी के अंदर जो है जॉब कर रहे हैं गारमेंट्स के अंदर सेक्टर से। जो लोग हैं अब तक हम देख रहे थे कि सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट, यूट्यूबर, सारी चीज़ें हमारे पास जो है, जो वर्कर लेबर जो हमारा एक पार्ट है जो कराची को चलाता है, उसमें से हमारे साथ मोहम्मद सादिक साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया। आज बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें हम इंकशाफ कर रहे हैं यहाँ पे। उम्मीद करते हैं थोड़ा डरे हुए तो नहीं है आप कहीं? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल लग रहा है। नहीं, वो तो आपको पता है, कैमरे का खौफ होता है। ये लाइफ का पहला इंटरव्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी इससे पहले जॉब के इंटरव्यू तो बहुत ही है, बाकी ये पहला इंटरव्यू। सही सही। सादिक साहब, ये यहाँ पर जो है हम बात करते हैं कि बेंचमार्क के हवाले से ना, कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोग होते हैं जब आप स्कूल के अंदर अपना टाइम गुजारते हो, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो ज़रा लाइफ जो है आपकी ज़िंदगी ज़रा शेयर करें। कोई ऐसी मस्ती मजाक की बातें, चीज़ें जो आपने एक्सपीरियंस की अपनी, हर कोई करता है, आपने भी की होंगी, तो उसके बारे में ज़रा बताएं। एक टीचर है, मिस रूबिका नाम है उसका, मुझे अभी भी याद है। वो तो जो ना, मतलब जब भी आती तो ब्यूटीफुल, मतलब एक सच टच के आती थी, तो काफ़ी जो ना लड़कों के जो ना माइंड घूम भी जाते थे। सही सही। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपना ध्यान, आपने तो कभी माइंड में बहन बना लिया कि इनसे शादी करनी? नहीं, उस टाइम तो सर बस पढ़ाई में ध्यान था। अच्छा, सही सही। अच्छा, ये गारमेंट फील्ड आपने जो है कैसे सेलेक्ट की, कैसे चूज़ की, यहाँ कैसे आना हुआ? सर मेरा एक भाई है, वो माशाल्लाह मतलब अभी एडुकेट बन चुका है, तो उसने मतलब ये कि मुझे बहुत बोला कि कभी यहाँ तालीम में लगाया, कभी कॉलेज पे लगाया, ऑफिस लैंग्वेज पे लगाया था, तो मतलब मैं तालीम से मैं डरता था, मैं खुद जो ना वजह क्या थी तालीम से डरने की, वजह ये जरा बताएं तालीम क्यों? वजह ये थी कि मतलब वहाँ के कुछ ऐसे मेरे दोस्त यार थे, तो मतलब वो जॉब करते थे ना, तो उन लोगों के पास पैसे वैसे होते थे, तो मतलब अपने शौक पूरा करते थे ये वो, तो बस मेरा भी एक वजह था कि मेरे भी जेब में कुछ अपने पैसे हो जो मैं अपना खुद खर्चा करूँ, ये करूँ, तो बस मेरे माइंड में ये था, तो इस वजह से मैं मतलब पढ़ने से डरता था। सही। नहीं, आपकी वजह ये थी कि आपकी जेब में पैसे नहीं है, इस वजह से आप पढ़ने से डरते थे? सर ये कि माशाल्लाह देखो, मेरा जो भाई है, अब्बू है ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक माशाल्लाह ऐसा कोई कमी है भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस मेरे माइंड में ये था कि मैं अपने कुछ कर लूँ तो आगे बढ़ने का मेरा ये सोचता। आपको पछतावा है इस बात का कि आप नहीं पढ़ पाए? सर बिल्कुल पछतावा तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं दोबारा मतलब प्राइवेट अपना, यानी आप समझते हैं कि आज के दौर के अंदर जो है पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि अगर आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आपको इस बात का पछतावा है कि हम यहाँ पर अगर बैठे हुए हैं, आपकी फैमिली ने बड़ी वो जो है की, लेकिन छोटी उम्र में जो लोग पैसा कमाने के इसमें लग जाते हैं और चीज़ें छोड़ देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। सही बात है, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो है ज़िंदगी के अंदर अभी आप गारमेंट फील्ड के अंदर है, काम करें, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ हंसी मजाक, क्या वो गारमेंट फील्ड की थोड़ा वाकयात बताएं कि वहाँ पर क्या होता है? आप एक काम कर रहे हैं वहाँ पे, वहाँ की लाइफ भी लोगों को पता होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से आप सुबह उठते हैं, जाते हैं, क्या काम होते हैं गारमेंट फील्ड के अंदर, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाती है? सर गारमेंट लाइन में तो ये होता है कि माशाल्लाह आपको पहले तो सुबह मतलब फजर का नमाज पढ़ के जॉब की तरफ निकलना पड़ता है, तो ये इसके अलावा बाकी वहाँ पर जो हम जॉब स्टार्ट करते हैं तो माशाल्लाह मतलब एक अलग ही माहौल होता है, जैसा कि माशाल्लाह घर से ज़्यादा टाइम हम वहाँ देते हैं। सर बिल्कुल। तो दोस्त यार भाई जो भी होते हैं उन लोग से मजाक मस्ती होता है, और हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम के मामले में हल्का फुल्का बात भी बन गई, तो वैसे मतलब ये कि वहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 7-8 साल में हमने अभी तक माशाल्लाह वहाँ पर बना के रखी है, चाहे इंचार्ज हो या सुपरवाइज़र हो या दोस्त यार जो भी भाई हमारे साथ काम करे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम सब एक साथ हैं। जो गारमेंट फील्ड के अंदर है, तो अगला सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, बड़ा सीरियस है, तो उसमें ये कि गारमेंट फील्ड के अंदर तमाम वहाँ तो सब लड़के लड़के एक साथ होते होंगे, तो वहाँ कोई पसंद आया आपको? सर हमारे कंपनी में तो पहले मतलब ये कि वहाँ लड़कियाँ है नहीं थे। आप दोनों स्कूल में भी महरूम रहे और इधर भी महरूम रहे? पहले तो थे नहीं माशाल्लाह, तकरीबन मतलब ये 3-4 साल तक तो मैंने जॉब किए वहाँ पर तो नहीं थे, लेकिन उसके बाद मतलब आना स्टार्ट हो गई है, अब लड़कियाँ आना स्टार्ट हो गई है, तो
कभी ऐसे माइंड नहीं रखे कि मैं खुद शादीशुदा हूँ अलहमदुलिल्लाह। अच्छा, अरे ये बात तो अब पता लगी है। तो हम अपनी बेगम से बहुत प्यार करते हैं, तो माशाल्लाह ऐसा कोई कभी माइंड में था तो नहीं। वो मोहब्बत की है या वैसे ही अम्मा करवाई? नहीं, ये घर वालों ने, घर वालों ने। कभी कभी ऐसा हुआ कि शादीशुदा लोगों की एक अजीब जिंदगी हो जाती है, सुनने में ये आता है, लोग बड़ा डराते हैं भाई शादी के बाद जो ये हो जाता है वो हो जाता है, तो कभी भाभी से आपको डर लगता है? सर कभी डर वर तो नहीं लगता है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे जो अम्मी अब्बू है, कई गलत काम करते हैं तो आप पहले माफी मांगते हैं या मुर्गा बनते हैं जाके? नहीं नहीं सर, अभी भी ऐसा तो हुआ नहीं है माशाल्लाह, हमारी बेगम बहुत अच्छी है, तो हमारी यार हर बात भाभी देखेंगे। या तो ये कैमरे का डर है या ये आपका डर है जिस वजह से ये बोलने के? बिल्कुल भी नहीं सर, भाभी हमारी मतलब भाभी हमारी भाभी है, आपकी बेगम है। सही है, देख रहे हैं आप, आपका खौफ कितना है, बंदा भाभी बना दिया आपको। ये भाई डरा सही जी, आगे सिद्दीक भाई। तो ये के मतलब अम्मी अब्बू का मतलब बहुत साथ रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमारी भी उम्र अम्मी अब्बू को दे, तो माशाल्लाह अभी तक गाइड कर रहे हैं। तो ये YouTube आपने कैसे आचरण, वो तो एक उनका शौक है अपना, आपको ये कैसे काटा? सर ये यूं हुआ क्योंकि हम घूमने जब भी कहीं पर भी जाते थे तो हर जगह मतलब वसीम भाई के साथ जाते थे, तो कहीं पर भी जाते थे तो मतलब सिंध साइड हो गया या बलूचिस्तान साइड हो गया तो वीडियो हम नहीं बनाते थे, तो यादगार एक छोटा सा मतलब टॉपिक 2-3 मिनट का यादगार वीडियो बनाते तो अपने पास रखते थे। तो इत्तफाकन मतलब वीडियो देखना तो यूट्यूब में किसी जैसा एक जासिब नाम का लड़का है उसका देखा, 2-3 और बलूचिस्तान के ऐसे यूट्यूबर है अपने कराची के भी मसले बहुत है, तो उन लोगों का वीडियो देख के तो हमने सोचा कि यार वसीम भाई हम घूमने तो वैसे भी जाते हैं तो क्यों ना हम एक वीडियो बना ले, चैनल हैंडल माशाल्लाह आप तो जानते हो इस चीज़ पे, तो वसीम भाई माशाल्लाह इस चीज़ में बहुत गाइड करते हैं। ठीक ठीक जबरदस्त, यानी तो आपने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया, आप 2-3 लोग मिलकर जो अपना यूट्यूब चला रहे हैं तो। अच्छा वसीम भाई एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, सादिक भाई सॉरी, ठीक है वो कैमरे का डर कभी कभी ऐसा होता है ना तो फ्लो में निकल जाता है, तो सादिक भाई कि अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप सबसे पहला काम? तो आपने बहुत बड़ी बात कर ली। अच्छा। वैसे खैर अगर कभी हम कभी बन ही गए जैसा कि आप बता रहे, तो सबसे पहले जो ये महंगाई के मामला थे, लियारी में क्या काम करेंगे ये बताएं, लियारी की में क्या काम करेंगे? सर लियारी में तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तो बहुत बेहतर हो गया है, क्योंकि काम वाम तो हो रहा है, मजीद काम जितने भी हो रहा है, पहले जो नालों का मसला था तो वो भी बहुत बेहतर हल हो रहा है। तो इसके अलावा लियारी में ये है कि मतलब वहाँ हमारे जो है ना माहौल कुछ अलग भी होते हैं, जो दूसरे माहौल होते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई में भी थोड़ा कमी पेशी हो जाता है, तो इंशाल्लाह स्कूल कॉलेज वगैरह ये तो सबसे पहले मैं ये बनाता तो इसी में लोगों को ताका, क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ा, मैं सोचता दूसरों को पढ़ाता। ठीक है, जिस चीज़ की हमारे पास कमी हम चाहते हैं वो चीज़ें जो है दूसरों को जो है वो मिले, और आपका ये एक बड़ा अच्छा विजन है कि आप ये करेंगे। ठीक, तो आपको इस दी बेंचमेंट शो में आके आज कैसा लग रहा है? सर पहली मरतबा तो मतलब मैं आया हूँ, तो इसके बाद तो मुझे शुरू में तो यूँ लग रहा था कि भाई सर जो है ना काफ़ी ख़तरनाक सवाल पूछेंगे, वो भी फिर लाइव शो है और सबके सामने आना भी है, बाद में जाहिर से कमेंट भी आएंगे, लोग पूछेंगे भी, तो बहरहाल आपके जो है ना बातों करने के अंदाज से मुझे बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन शो है। चलिए बहुत शुक्रिया।